अस्सलामु अलैकुम। सुबह सुबह का टाइम है और आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि मैंने आपको लोगों को लेके चलना और दिखाने के मेरे ब्रेकफास्ट प्लेटर में क्या क्या होता है, तो जो मैं पर्सनली चीज़ें कंज्यूम करता हूँ अपनी डेली लाइफ में और उनके क्या फ़ायदे, और अगर आपको भी वो चीज़ें यूज़ करनी है तो मोस्ट वेलकम आप करें क्योंकि उनके बेनिफिट्स हैं और मैं जिन रीज़न से यूज़ करता हूँ। तो लेट्स गो एंड सी। फर्स्ट फ्लेक्स, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को अपना प्लेटर और अपनी सारी चीज़ दिखाता हूँ क्या क्या मैं पर्सनली कंज्यूम करता हूँ अपने ब्रेकफास्ट में, तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा डेली का प्लेटर है, इसमें मोस्टली सारी चीज़ें मेरी मामा पहली पैक करके रखती हैं क्योंकि मैं बहुत चूज़ी किस्म का इंसान हूँ। मैं खाने में बहुत यानी तंग उन्हें करता हूँ शुरू से, बचपन से, तो वो चाहते हैं कि कोई ना कोई मेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, यानी जो भी मेरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी मुझे रोज़ के विटामिन वगैरह लेने होते हैं तो वो किसी तरह भी पूरे हो जाए, तो वो मेक श्योर करती हैं कि सारा कुछ प्लेटर पर एक ही साथ हो। ऑब्वियसली ये सारा मैं एक ही साथ एक ही गो में खाऊंगा नहीं और ना मैं खा सकता हूँ क्योंकि मैं जिम तो हूँ नहीं, मैं इंसान का बच्चा हूँ ऑब्वियसली। पहले हम स्टार्ट करते हैं मेरे हॉट डॉग से, जिनके ऊपर उन्होंने ग्रेट करके मोज़रेला चीज़ और कैप्सिकम है, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बो और इन दोनों का मिक्स फ्लेवर बहुत मज़ेदार आता है और ये शुरू से मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो ये मामा को ये बात पता है, तो वो हर चीज़ में ऑब्वियसली हर चीज़ में कैप्सिकम होना इज़ अ मस्ट, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आप मेरा पूरा प्लेटर देख रहे हो ये बड़ा वेल बैलेंस किस्म का प्लेटर है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर योगर्ट वगैरह, एलमंड मिल्क वगैरह, बाकी सारी चीज़ें हमारी गुड का कार्ब्स भी हैं इसके अंदर, गुड कार्ब्स भी हैं, फैट्स भी हैं इसके अंदर, प्रोटीन भी है इसके अंदर, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं जो आपकी डेली न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए आपकी रिक्वायरमेंट होती है, खासतौर पर जिम की आपकी रिक्वायरमेंट। हम स्टार्ट करेंगे पहले खजूर से, या आप देख रहे हैं दिखाता हूँ इस तरह लोगों को समझ नहीं आने। ये आप देख रहे हैं ये एलमंड फील्ड और कैशू फील्ड हमारे शुरू के सुबह के ड्राई फ्रूट्स हैं, क्योंकि हैंडफुल ऑफ नट्स आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जिम गोल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये फिर हमारे पास वॉलनट पाए है क्योंकि मीठा होना बहुत ज़रूरी है कुकेम्बर्स वगैरह फाइबर के लिए, ये फिर से मीठा, तो या तो इसमें से, या तो इसमें वॉलनट पाए या तो डोनट में से मैं एक चूज़ करूँगा, तो ताकि ज़्यादा फैट इनटेक ना हो। साथ हमारे टोर्टिला ब्रेड है और हॉट डॉग्स, चिकन पाए हमारे पास, ऑलिव्स वगैरह हमारे पास, गुड़ चीज़ और सो ब्रेड, पर गार्निशिंग हमारे कैप्सिकम की, ब्लू बैंड का हमारा बटर, एलमंड मिल्क। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्योंकि मैं हमेशा मोस्टली ट्राई करता हूँ कि एलमंड मिल्क से स्टार्ट किया जाए, और मोगू इसलिए यहाँ पे पड़ा हुआ है क्योंकि ये हमारा अरियान का और मेरा बचपन का फेवरेट तरीन ड्रिंक है, तो ये मामा मेक श्योर करते हैं कि जहाँ से भी अवेलेबल हो तो ये लेके रखें लाजमी। बाकी पीनट बटर एज अ सेड बिफोर के गुड फैट्स, और ये भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं गेन फेज में और गेन स्टेज में। हनी इज़ ऑलरेडी अ सुपर फूड, तो वो तो आप लोगों को इसके तारुफ की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारे पास न्यूटेला या चॉकटेला,
इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होती है, क्योंकि मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि शुगरी या इस तरह ज़्यादा चॉकलेटी चीज़ों की तरफ ना जाऊँ, मगर कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती तो न्यूटेला या चॉकटेला में से कोई ना कोई एक ऑप्शन हमेशा रेडीली अवेलेबल रखती हैं मामा। बाकी हमारे प्लेट में फ्रूट्स आप देख रहे हैं कि जो भी सीजनल और ज़्यादा मज़ेदार फ्रूट होता है जो मेरा शुगर लेवल भी सही रखे और ज़्यादा उसके अंदर वो भी ना हो, तो एक तो हमारे ग्रेप्स आ गए, स्ट्रॉबेरीज आ गई क्योंकि ये फ्रेश फार्म पिक्ड हैं तो ये फार्म से आई हुई डायरेक्ट, तो अभी हमारे प्लेटर में लैंड की। टोटीला ब्रेड मैं इसका फैन तो हूँ काफ़ी, मगर मसला सिर्फ ये है कि टू मच फैट। बाकी अब मैं आपको लेके चलूँगा हमारे योगर्ट, तो ये हमारा जैसे हमें सऊदी अरब से हम लोगों का ही हमारी फैमिली का पर्सनल फेवरेट है ये योगर्ट, तो वहाँ पे दूसरे लबन वगैरह और इस तरह की भी चीज़ें थी तो, मगर यहाँ पे अब जो ऑप्शन अवेलेबल है उसी में से चूज़ करना पड़ेगा। अब मैं आपको ब्रेड की कलेक्शन में लेके जाता हूँ। ये हमारी ब्रेड हैं क्योंकि मुझे कोई ना कोई लाजमी या तो डिफरेंट ब्रेड या तो मेरी जो स्टैंडर्ड फेवरेट ब्रेड्स हैं उनमें से हमेशा कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसमें से एक हमारे पास जैसे देख रहे हैं ये क्रोज़ॉन, इसके बाद हमारी सो ब्रेड, उसमें आपने देख लिया होगा जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि गोरा चीज़ के साथ मेरा फेवरेट है। मैं इसे स्टार्ट इस तरह करता हूँ कि अपना सो ब्रेड को लेके उसके अंदर गोरा चीज़, ऊपर गार्निशिंग कैप्सिकम और साथ मैं ये लार्ज फ्रैंकफर्ट को स्लाइस करके उसके अंदर खाता हूँ। तो ये मेरा एक पर्सनल फेवरेट स्नैक है, यानी रेडी टू ईट स्नैक 24/7। और बाकी हमारे पास गार्लिक ब्रेड की ऑप्शन अवेलेबल है, सो ब्रेड की मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये हमारा आज का प्लेटर है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। ये बहुत आए अब इसे खाते हैं क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैंने पता नहीं कितनी मुश्किल से ये इतनी देर से मैं होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। तो गाइस आपको पता है कि मेरा ये बनाना ज़रूरी था क्योंकि मैंने आपको दिखाना था ये वेल बैलेंस्ड प्लेटर किस तरह होता है, क्योंकि जिस तरह मेरी मामा करती हैं उस तरह आप लोगों को भी आइडिया होना चाहिए कि वेल बैलेंस्ड प्लेटर किस तरह होता है जिसमें प्रोटीन्स वगैरह सारी चीज़ें। बाकी अब मैं थोड़ा सा जल्दी में था क्योंकि आज कुछ एक दो मीटिंग्स हैं, मैंने ऑफिस के लिए भी निकलना है, नई कलेक्शन आ रही है उसके लिए भी काम करना है, उसके लिए बेसिक आइडिया ओवरव्यू वगैरह स्टोरी बोर्ड वगैरह बनाने हैं तो, और इसी वीक के अंदर एक शूट और पायर्ड अप है तो लेट्स सी। बाकी एक बहुत चीज़ है कि मुझे हमेशा खाना है खास तौर पर ब्रेकफास्ट के वक्त ना भाई बहुत ज़्यादा आ रहा होता है क्योंकि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, क्यों इनसाइड जोक्स हैं हमारे कुछ मूगू को लेके, कुछ एलमंड पीनट बटर को लेके जो रियान और मैं ही समझ सकते हैं, तो वो किसी दिन नेक्स्ट डे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और प्रैक्टिकली ऑन अ रन, हमने जल्दी से सारी चीज़ स्टफ करनी है और भागने वाली करनी है क्योंकि डाइट इज़ योर बेसिक फ्यूल। तो नाश्ता हमेशा कहते हैं कि शहजादों की तरह करो क्योंकि आपने वो पूरा दिन गुजारना होता है, आपका जो लंच है वो आपने थोड़ा ईजी होके करना होता है यानी मीडियम टाइप का करना होता है, और जो डिनर करना होता है वो भी आपने फकीरों की तरह करना होता है यानी पेट भी कहते हैं कि थोड़ा इजी होके करो ताकि अभी सोना भी है और ऊपर रिचार्ज वगैरह भी सारी चीज़ों में। तो ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, तो वो आपने जितना स्टफ कर सकते हो अपने आप को करो। इफ़ यू वांट टू बी अ बिग बॉलर लाइक मी मोगू मेरा इतना पर्सनल फेवरेट ड्रांक और मेरा ही पर्सनल फेवरेट है क्योंकि ये वाली जो थीम है ना ये बहुत सारे ब्रांड डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से बना रहे हैं, अपनी अपनी टेक उनकी होती है तो उस हिसाब से ही बना रहे हैं, मगर बेसिक मोगू ऑलवेज रेडली अवेलेबल नहीं मगर बहुत सारी जगहों पर ईजीली अवेलेबल है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी फ्लेवर का ये ड्रिंक होता है वो तो होता ही होता है, मगर इन्होंने अंदर च्यूई बिट्स रखे होते हैं तो आपको पीने के साथ साथ ना आपको जैसे च्यू भी करना पड़ता है जो भी इन्होंने अंदर पीस डाले होते हैं, तो ये बहुत मजे का डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस होता है कि आप सब पी भी रहो और आपको पता है कि आपने एक एंटिसिपेट करना है कि कोई ना कोई चंक आना है जो उसे आपने च्यू भी करना है, जैसे नाटडी कोको पीसेज हैं। यस वो कोको पीसेज हैं म
मामा किसी ऑर्गेनिक उससे स्ट्रॉबेरीज ले आई हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत जूसी किस्म की स्ट्रॉबेरीज हैं, ट्राई करते हैं। कुछ चीज़ें मैं साथ ले जाऊंगा, जैसे योगर्ट और नट्स वगैरह, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ और चलने भागते हैं ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट चीज़ें भी बना सकूँ। और जो जो नए नए हम शूट्स वगैरह और कलेक्शन पे काम कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो मैं साथ साथ आपको स्टोरी में साथ साथ बताता रहूँगा। तो और यस, एक म्यूज़िक वीडियो आ रही है हमारी नेक्स्ट, तो उसके लिए स्टे ट्यून, क्योंकि वो बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस होने वाला है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना है तो मैं भाग रहा हूँ। बाय।